सहरसा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सौर बाजार में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं आशा संघ की जिला मंत्री ज्योति रानी ने कहा कि हम लोग 2 जनवरी से भूख हड़ताल पर हैं, हम लोगों को सरकारी सेवक घोषित किया जाए और न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये वेतन दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 7 जनवरी सिविल सर्जन एवं 8-9 जनवरी को समरनाले का भी घेराव करेंगे। आशा को सरकारी सेवक घोषित करना होगा, आशा को नहीं होगा, आशा को न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये देना होगा। हमारी मांग है, हम लोग 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग का मांग है कि हम लोग को सरकारी सेवक घोषित किया जाए, अन्यथा जो सरकार का न्यूनतम मजदूरी है उसके अनुसार हमें 18,000 रुपया वेतन दिया जाए। हम लोग दो जनवरी 2019 से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्रमिक अनशन हम लोग का है, हम लोग का 6 तारीख तक क्रमिक अनशन चलेगा और 7 तारीख को सिविल सर्जन का घेराव है और 8 और 9 समाहरणालय का घेराव है। हम लोग इसी प्रकार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आशा संघ के आप क्या हैं? आशा संघ की जिला मंत्री कुमारी ज्योति रानी, सहरसा। कुमारी ज्योति रानी, सहरसा से सौर बाजार के लिए मंटुन कुमार की रिपोर्ट।